2019 के चुनाव में हेमंत सरकार जो है लोक लुभावने वादे करके जनता के बीच जो है सरकार में आई, और सरकार में जब वो आने के समय चाहे उनके लोक लुभावने वादे, चाहे बेरोजगारों को भत्ता देने का सवाल हो, पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट को 5,000-7,000 भत्ता देने का सवाल हो, या जो है किसानों के लिए जो है 2 लाख तक ऋण माफी का सवाल हो, या 5 लाख नौकरियों का सवाल हो, ऐसे कई लोक लुभावने वादे, जल जंगल जमीन की रक्षा का सवाल हो, कई सवालों को लेकर के और लोक लुभावने वादे लेकर सरकार आई। लेकिन सरकार जब आई तो आने के बाद जो पिछली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, रघुवर जी की सरकार के जो भी कल्याणकारी योजना था, उस योजनाओं को पहले उन्होंने बंद किया, चाहे वो किसानों के लिए योजनाओं हो या महिलाओं के लिए योजनाओं हो, योजनाएं रही हो, कई योजनाएं उन्होंने कल्याणकारी योजनाओं को आते के साथ बंद कर दिया। और सरकार जो है विकास के कार्य, आज 3 साल लगभग हो गए सरकार के, लेकिन विकास के कार्य में एक कदम सरकार आगे नहीं बढ़ी। सरकार जो है विकास के काम ठप रखे, कई बहाने भी बनाए कोरोना को लेकर के, कई बहाने बनाती रही सरकारें, लेकिन कई सरकारें कोरोना में कहां से कहां तक काम करके आगे बढ़ी, लेकिन इन्होंने सारा काम ठप रखा। आप जो जमीन पर दिखता है जनता देख रही है, और विकास के काम ठप रहे, उसके बाद जो है सरकार जो है सरकार में दलितों आदिवासी महिलाओं पर अत्याचार के अनेक कई उदाहरण, बड़े बड़े घटनाएं हुई, कई उदाहरण हैं इसके, और अत्याचार आदिवासी दलितों पर बढ़े, महिलाओं पर बढ़ी इस सरकार में। मैं पुरानी बातों को जाना नहीं चाहता, कई ऐसी घटनाएं हुई जिस तरह से आदि बच्चियों के साथ रेप के साथ हत्याएं हुई, कई कई घटनाएं आई, तो सरकार जो है उस दिशा में भी जो है महिला हो, दलित हो, आदिवासी हो, उनके हितों की रक्षा, उनके उन पर जो है घटनाएं बढ़ी इस सरकार में। आप देखे होंगे पिछले दिनों पलामू में कि मुसहर जाति के लोगों को, वर्ग विशेष को लोगों ने भगा दिया, सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, तो तुष्टीकरण की भी कई घटनाएं बढ़ी। और चाहे नमाज रूम का सवाल हो, चाहे आप मेन रोड में जिस तरह की घटनाएं हुई उस घटनाओं में सरकार का जो रवैया आपने देखा, चाहे अभी जो चर्चा जब मैं पलामू की कर रहा था, वहां जो है मुसहर जाति के, दलित जाति के लोगों को जिस तरह से भगाया गया वर्ग विशेष पे, सरकार चुप्पी मार के रखी, सरकार उस पर भी फेल रही। तो चाहे विकास के काम हो, चाहे आदिवासी दलित महिलाओं पर अत्याचार के सवाल हो, या तुष्टीकरण के सवाल हो, इन सब चीजों पे सरकार तुष्टीकरण भी करती रही, इन सारे विषयों पर सरकार कहीं ना कहीं फेल हो गई, सरकार काम नहीं कर पाई, सरकार के काम ठप रहे। और अब सरकार ने काम क्या किया, तो सरकार जो काम कर रही है वो तो मैं उस पर बाद में आऊंगा, और आप आ जाइए विधि व्यवस्था के सवाल पे। तो विधि व्यवस्था का क्या हालत है कि आपने देखा होगा पिछले दिनों हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आंकड़े गिनाए होंगे, 1.5 लाख, 1.5 लाख लगभग जो है घटनाएं हुई है, नॉन अवेलेबल घटनाएं जिसको बोलते हैं अपराध की घटनाएं, 1.5 लाख से अधिक घटनाएं हुई हैं, और करीब उसमें 5,000 से अधिक घटनाएं तो महिलाओं पर, हमारी मां बहनों पर अत्याचार की हुई है, 5,000 से अधिक, आप सोच सकते हैं। ये सरकार की यही उपलब्धि रही है पिछले 3 सालों में कि विधि व्यवस्था पूरे राज्य का चौपट है। ये सरकार जो है पूरी तरह से जिसको कह सकते हैं कि आकंठ जो है भ्रष्टाचार में डूबी रही, इन 3 सालों में लगभग ये सारे विकास के काम ठप रहे, सरकार आदिवासी दलितों के हितों की रक्षा नहीं कर पाई, उन पर अत्याचार बढ़े, तुष्टीकरण इस सरकार में बढ़े, और उसके साथ साथ जो है भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर है। आप देखे होंगे कि अब सरकार आपके द्वार जा रही है, लेकिन सरकार आपके द्वार के जाते जाते सरकार चली गई ईडी के द्वार। आप समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार का आलम यह है कि मुख्यमंत्री के पूरे उनका कुनबा जो है, आज आधा कुनबा उनका जेल में है, आधा लगभग 80% उनके कुनबा जेल में है, और आपने देखा होगा कि अब मुख्यमंत्री जी को भी समन आ चुका है। तो ये भ्रष्टाचार में अकंठ डूबी रही सरकार, यानी 3 सालों तक ये सरकार जो है केवल भ्रष्टाचार,
में लिप्त रही, विकास के काम ठप रहे, कोई काम ये सरकार नहीं की। आप जिस जहां भी देखिए, जिस इलाके में देखिए, जिस जल जंगल जमीन की बात करके यह सरकार सत्ता में आई, वह जल जंगल जमीन लूटने का काम यह सरकार की। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।